अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैं एक लैम करी या गोश्त का सालन बना रही हूँ। आधा किलो लैम का मीट है, दो मीडियम टू लार्ज ओनियन, हाफ अ गार्लिक और 1.5 इंच जिंजर का टुकड़ा है जिसको कूट के डाला है, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें टर्मरिक पाउडर डाला है। ये बहुत ही माइल्ड करी बनती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी इसमें मैं ऐड नहीं करती हूँ। और 1-2 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैंने पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना है। और 3 मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। इन्हीं चीज़ों का इतना पानी होना है, देखें काफ़ी ज़्यादा वाटर ऑलरेडी इसमें हो गया है। तो इससे ये गोश्त जो है तकरीबन 25 मिनट से आधे घंटे तक ये गोश्त जो है गल गया है। 4-5 हरी इलायचियाँ, 3 काली इलायचियाँ और थोड़ी सी सिनेमन स्टिक मैंने इसमें डाली है। और तकरीबन गोश्त जब 80% गल गया है तो इसमें हाफ अ कप मैंने ऑयल का शामिल किया है। अब बहुत ज़्यादा गला हुआ गोश्त जो है उस हद तक गोश्त को गला के भूनना नहीं चाहिए, अंदाजे से कि इतना गला हुआ है, बाकी इसने और भी पकना है तो वो फिर गल जाएगा। अगर 100% पहले ही गला लिया तो फिर इसने भूनना है, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी भी बनानी है, तो गोश्त रेशा रेशा हो जाता है। और आपने देखा इसमें मैंने ऑयल शामिल किया है और गोश्त किस हद तक गला हुआ है वो भी आपने देखा है। और 3 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैंने योगर्ट डाला है और इसको थोड़ी देर भूना है। और फिर इसमें मैंने तकरीबन 3-4 कप के बराबर मैंने इसमें पानी शामिल किया है और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। बस माइल्ड सी इसकी जो है थिक सी या गाढ़ी सी इसकी ग्रेवी मैं बनाती हूँ। और इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है और गरम मसाला शामिल किया है और हरा धनिया और हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल नहीं करती हूँ। कुछ चीज़ों में हरी मिर्चें और हरा धनिया अच्छा नहीं लगता है और उनमें से ये एक करी है। आई होप आपको ये आज आसान सी लैम करी या गोश्त का सालन पसंद आया हो। ये दावत पे बनाने के लिए परफेक्ट करी है, ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करिएगा प्लीज़। और मेरा व्लॉगिंग चैनल है आप जानते हैं, अगर आप चाहें तो उस पर भी विज़िट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।